तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे सर, मेरे लिए इतनी तकलीफ। अरे ओ शैतान के पुजारी, ये मेरा काम है। तुम्हारे जैसे बच्चों को झेलने के लिए ही तो मुझे सैलरी मिलती है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे साथ आज कौन आया है। मेरे छग्गन अंकल आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, आइए पधारिए। तो आप इसके अंकल हैं? नहीं तो मैं तो इसकी आंटी हूँ। अरे यार भीखू, कैसे कैसे टीचर है यार तुम्हारे। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था भाई। ऐसे घटिया सवाल मत पूछा करो। हाँ तो मैं कह रहा था कि आपका लाडला बहुत सतानी करता है। अरे बच्चा तो सतानी ही करेगा ना, कि आपको पंकज उदास की गजलें सुनाएगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि अरे कैसे टीचर हो यार, ये जलेबी छानना बंद करो और डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके लाडले की तैयारी देख के नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा। क्यों रे भिको, ई का सुन रहा हूँ मैं। अरे लेकिन टेस्ट में तो मैंने सारे सवालों के जवाब दिए थे। का है सर, जब बचवा सारे सवालों का जवाब दे सकता है तो फिर फेल कैसे होगा। अरे लेकिन इसके जवाब तो सुनिए। देखिए अभी मैं आपके सामने से सवाल पूछता हूँ, तो भीकू जरा ये बताओ कि वो कौन सी चीज है जो हमें दिखती नहीं पर होती है। बहुत सिंपल है सर, पीठ। वाह क्या जवाब दिया है मेरे भतीजे। शाबाश बेटा, शाबाश। ये जवाब है, सही जवाब है हवा। एक बात बताओ, तुम अपनी पीठ देख सकते हो का? अरे ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर हमारे बच्चे का जवाब गलत कैसे। ठीक है ठीक है, इस भीखू का तो पूरा खानदान ही पागल है। खैर टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटी का एक एग्जाम्पल दो, तो लिखता है कि मैंने छत से चप्पल फेंकी, वो सीधा नीचे खड़े गुड्डू को लगी। इससे ये पता चलता है कि ग्रेविटी होती है। वाह शाबाश बेटा शाबाश। अरे क्या शाबाश, ये कोई जवाब होता है और आप इसकी बदमाशी को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे वो गुडवा ने मुझसे 2 महीना पहले 2000 रुपए उधार लिए थे, अभी तक नहीं दिया। इसकी हरकतों से मेरे मन को बड़ी शांति मिली। इससे ये भी पता चलता है कि आगे चलकर शूटिंग में देश का नाम रोशन करेगा। बिंगो। वाह क्या निशाना है बेटा, शाबाश। थैंक यू अंकल, मैं जरूर आपका नाम रोशन करूंगा। धत पागलपंती की हद है। अरे वो सब छोड़िए, हिंदी में इसे बुढ़ापे का विलोम लिखने को कहा गया, तो लिखता है शीला की जवानी। इससे पूछा गया कि यमुना नदी कहाँ बहती है, तो कहता है जमीन पर। इन सवालों का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता, शाबाश। इसकी तो मैथ भी कमजोर है, अभी दिखाता हूँ। बेटा एक टोकरी में 10 आम हैं, उसमें से 3 आम सड़ गए, अब बताओ कि कितने आम बचे। सर वेरी इजी, 10 आम, क्योंकि सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेगा ना, केले तो बन नहीं जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलाद। थैंक यू अंकल। अरे ये सब तो सिर्फ पढ़ाई की बात है, इसके तो स्पोर्ट्स के शौक भी बहुत अजीब हैं। एक नॉर्मल बच्चे से अगर पूछा जाए कि बेटा तुम्हें क्या खेलना पसंद है, तो वो कहेगा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल वगैरह। पर ये
इसको स्पोर्ट्स के नाम पर WWE पसंद है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर ये चोक स्लैम देता फिरता है। वाह बेटा वाह, तुम्हारी सोच तो एकदम इंटरनेशनल लेवल की है। शाबाश बेटा शाबाश। एक मिनट मास्टर, जरा ही फोनवा अटेंड करके आता हूँ। हाँ हाँ जाइए। दिमाग खराब कर दिया है दोनों ने। अरे सर गुस्सा छोड़िए, ये मिठाई खाइए, अंकल बड़े प्यार से लाए हैं। ठीक है लाओ, वैसे भी मेरा शुगर लेवल बहुत डाउन लग रहा है। अरे वो तुम्हारी चाची का फोन आया था, पूछ रही थी कि वो सड़ी हुई मिठाई कूड़े में फेंकी कि नहीं। अरे वो सड़ी हुई मिठाई का डब्बा कहाँ गया? तेरे की क्या सड़ी मिठाई? सड़ी मिठाई, सड़ी मिठाई, सड़ी मिठाई, सड़ी मिठाई, सड़ी मिठाई, सड़ी मिठाई। बेटा भीको। जी अंकल। मेरी मानो तो खिसक लियो। ओके।